नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। थोड़ा सा लेट हो गए, मकर संक्रांति के दिन तैयारियां चल रही हैं। आप क्या लेके घूम रहे हैं? आदमी वही सेट करता, तो यही तो होता है। कैमरे की खासियत है कि आदमी हर बंदा अकीदे से पेश आता है आराम से। ये देखिए आपके ब्लॉगर लतीफ। आज मकर संक्रांति के दिन का ब्लॉग हम शूट करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, तो अभी मिलते हैं गुरुद्वारे में। बाय। अभी ये हमारे वहाँ का सबसे पास का गुरुद्वारा साहिब है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी आप मौसम को देख सकते हो, हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी धुंध है, तो मिक्सा मौसम है। ठंड तो है, ऑब्वियसली मौसम में ठंड है। बताओ क्या बन रहा है? ये कॉफी बीट हो रही है, ठीक है। ये घंटे लगे हुए अभी दादा। नहीं भी देखी तो इन्हें पूरे मग ने भर जाना, ऊपर ऊपर आ जानी देखी पूरी। यस चलो ठीक है, अब दाओ। मैं इतनी गाढ़ी कॉफी है, आ देखो जी चम्मच ही पाया सी, माड़ा नाल लग गया सीगा। इन्हे पूरे पानी दी काया पलट करती। ए साडे जो कदे कदे से चाय बनांदे ए कॉफी सर। हेलो जी, सो आई एम बैक। मकर संक्रांति वाले दिन हमारे यहाँ पे उड़द की खिचड़ी बनती है, जो कि बन के तैयार हो चुकी है। और मैं भोग लगाने भी मंदिर में जा रही हूँ, उसके बाद सबको मिलेगी। मम्मी पापा बिजी है तो वो बाहर है, तो हम तीनों घर पे हैं, जिसमें से मेरा काम है साफ़ सफाई का, जो कि मैं अभी तक लगी हुई हूँ। और बाकी अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, पहले भोग लगा देते हैं। मैंने पहली बार खिचड़ी बनाई है, तो मुझे नहीं पता टेस्ट कैसे होगा, सब कुछ कैसे होने वाला है। ओके, ये हमारे घर का क्यूट सा मंदिर मम्मी ने बहुत प्यार से सजा के रखा है। ये कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है मुझे। हेलो, हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं फेस्टिवल के दिन, जैसे कहते हैं मकर संक्रांति के दिन दाल खिचड़ी खाई जाती है। हेलो माता। हेलो बेटो, मेरी चिन्नी तो क्या आले भी हटला मर गया देख लेना। बाय चांस मैंने एक प्यारा सा मूवमेंट कर चेक किया, तो देखते हैं। ये देखो टोपी पीछे लड़ाई हो रही है। दे 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 मम्मी को टोपी पहना दी जबरदस्ती करके। बड़ी चीज अच्छी भी रही क्योंकि ठंड बहुत थी बाहर। हाँ जी, कितने अब पापा ना मुझे इनके बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं कि जब भी इन्हें स्कूल में ना आप कैप पहना के भेज देते थे मम्मी, तो ये लोग पास में जाके अपनी कैप निकाल देते थे, तो वही बताया जा रहा है। कितने ओ टलान चढ़ने तो पहले टोपी ले जांदी सी इन्नी दूर। हां एक मिनट, कितने गड्डी जिथे ओ गड्डी खड़ी ना, और जे टलान चढ़दी सड़क ऊपर। हां हां है ना। हां हमारे घर में दो भैंसे भी हैं जिनको मम्मी ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। छोटी वाली मनी है और बड़े वाली मनु है। इनमें से छोटी वाली तो फिर भी क्यूट है, बड़े वाली बहुत खतरनाक है, सबको डराती रहती है, मम्मी को छोड़ के बाकी सबको मारती है। ये अभी भी देखो कैसे देख रही है गुस्से से, दूसरे वाली टेडी देख रही है कि मेरी वीडियो बन रही है। हेलो, सो अभी शाम हो चुकी है। और एक और सीक्रेट बात, कि आप लोग भी जब घर से आते हो अपने साथ नहीं धोने के लिए कपड़े लेके आते हो? क्वेश्चन मार्क शादी के बाद। हम तो लेके आते दो बैग सामान लेके जाने के लिए, लेकिन इतने सारे कपड़े हमारे धुले हुए हैं, तो हमारा एक बैग तो यहीं से भर जाएगा। बस मम्मी के पास आने का फायदा भी तो होना चाहिए। यू डूइंग मैम, ट्राइंग टू फिक्स इट। व्हाई 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 यू आर नॉट यूजिंग इट? दैट्स माय डैड्स वॉच।
जो कि हड़पने की तैयारी में हो रही है, जो कि अपने बनाने की कोशिश हो रही है। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए हमारे पास है 10 किलो गाजर, 3 किलो खोआ और अभी आप देख सकते हो हमारी सेना में है दाढ़ी वाले बाबा जी, जो कि है मेरे प्यारे देवर जी मोहित और ये है उनका जवाब सिपाही रोनी। निंजा टेक्निक ऑफ साग को तड़का लगाना जे जल गया फिर सो गाइस ये है एंडिंग ऑफ द व्लॉग। तो आज शाम को बन रहा है साग रोटी और गाजर का हलवा। दैट वॉज द हैप्पी एंडिंग टाइप ऑफ द डे। सो बाय, इसके बाद हम मिलेंगे चंडीगढ़ में। बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉलो टू लाइक। बाय। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।